गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरमीडिएट में सेशन नंबर 7 ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होगी। मैंने यहाँ पर पहले से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके रखी हुई है, मैं इसमें आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। और इस प्रेजेंटेशन में हमारा एक पेज है, मतलब एक स्लाइड है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक स्लाइड और इंसर्ट कर लेते हैं। स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए होम टैब पर जाते हैं और यहाँ पर स्लाइड वाले ग्रुप में न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें स्लाइड्स के लेआउट मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी स्लाइड का लेआउट यहाँ से चूज कर सकते हैं, जिस टाइप की आपको स्लाइड इंसर्ट करनी है। मैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ, मतलब एक खाली पेज, और इस पर ही हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स लाइक पिक्चर, क्लिप आर्ट या फिर कोई भी शेप हो सकती है, उन सभी को हम ग्रुप करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अभी आपको जो शेप्स होती हैं उनको ग्रुप करना बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ शेप्स को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट टैब पर, इंसर्ट टैब पर इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप के अंदर आपको शेप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने शेप यहाँ से इंसर्ट करनी है तो कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे एक यहाँ पर कुछ शेप बनानी है और उसमें कुछ लिखना है और फिर उसको ग्रुप करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे ये वाला ले लेते हैं रेक्टेंगल, इस तरह से। आप इसमें अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहें। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कुछ लिखना है या और ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो वो भी मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ और इस सर्कल को मुझे यहाँ पर इस तरह से बनाना है, इस तरह से। इसमें कलर चेंज कर देते हैं, दोनों में रेड कलर है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर को फॉर्मेट वाले टैब पर। और यहाँ पर ये कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, इनको आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेना। जैसा आप चाहें वैसा कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये प्री फॉर्मेटेड कलर्स होते हैं, इनमें से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप इसके जस्ट बराबर में फिल कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। लाइक मैं येलो कर देता हूँ, और आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है उसको भी कलर कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा कलर आप यहाँ से ले लीजिए, उसमें कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा और यहाँ पर मोर कलर्स भी होते हैं, उनमें से भी ले सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर ये वाली लाइन ले लेता हूँ। लाइन का जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से, ताकि हमें अच्छे से हो जाए। इस तरह से इसको थोड़ा इस तरह से हम बना लेते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया है, जिसके अंदर हमने एक पीछे बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक इसको ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाकर यहाँ से शेप में मिल जाएगा आपको पहले वाला जो ये है टेक्स्ट बॉक्स, इसकी हेल्प से आप यहाँ लिख सकते हैं इसके ऊपर, इस तरह से। यहाँ से हमने इसको लिख लिया है और उसको कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर, इसका कलर चेंज कर देते हैं, जो भी आप कलर चाहें वो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ इसे रेड कर देता हूँ और साइज भी इंक्रीज कर देते हैं इसका बोल्ड। इस तरह से हमारा ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया है। अभी देखिए तीनों ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर इंसर्ट किए हैं, ये वाला रेक्टेंगल, सर्कल और ये टेक्स्ट बॉक्स, इन तीनों को अगर हम यहाँ से देखें तो ये ऐसे कहीं भी मूव हो सकते हैं, मतलब ये एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अगर आपको इन सबको एक साथ जोड़ना है और ग्रुप करना है तो उसके लिए हम ग्रुप कमांड का यूज करते हैं। सबसे पहले इन तीनों ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं, या तो आप एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल वाली की को प्रेस कर लीजिए, और देन दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए और फिर तीसरे वाले ऑब्जेक्ट पर। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको लास्ट वाला सेलेक्ट करना है और ये वाला सेलेक्ट करना है, तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और यही ग्रुप होंगे। तो इस तरह से आप अगर अपनी मर्जी से कस्टम में किसी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वाली की को प्रेस करना है और उसे प्रेस करके रखना है, और देन आपको ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। तो इसमें आपकी मर्जी से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। और अगर आपको ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आप यहाँ से होम टैब पर ये सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन है एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ क्लिक करेंगे,
ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसको इस तरह से यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन के अंदर ले लेंगे, तो ये जो इस सिलेक्शन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग टैब पर जाना है। ये फॉर्मेट टैब जो होता है, हालांकि ये टैब होता नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग के लिए ये ऑब्जेक्ट वाला टैब या ये फॉर्मेटिंग वाला टैब आ जाता है यहाँ पर। और इसमें आपको इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कमांड्स होंगी वो सारी मिल जाएंगी। आपको इस वाले टैब पर सबसे लास्ट में यहाँ पर अरेंज वाले ग्रुप में जाना है, अरेंज वाले ग्रुप में, और यहाँ पर आपको ग्रुपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रुप, ठीक है। आपको इस ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको तीन कमांड मिलेंगी, ग्रुप, रीग्रुप और अनग्रुप। देखिए अभी मैं ग्रुप कर देता हूँ, तो अब देखिए ये तीनों ऑब्जेक्ट जो थे हमारे जो सिलेक्ट थे वो जुड़कर एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। अगर मैं इसको उठा कर ले जाता हूँ तो ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ यहाँ से मूव हो रहे हैं। अगर मैं इसका साइज़ वगैरह चेंज करता हूँ इस तरह से, यहाँ साइज़ वगैरह चेंज करता हूँ इस तरह से, तो देखिए तीनों ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है हमारा एक साथ ही चेंज हो रहा है इस तरह से। चूंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट अब ग्रुप हो चुके हैं इसलिए सारी एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म हो रही है इन सभी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पर। अगर आपको इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करना है तो आप चेस्ट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और वापस फॉर्मेटिंग टैब में जाइए और यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन में जाकर अनग्रुप कर दीजिए, तो ये आपके तीनों ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग हो जाएंगे, मतलब अनग्रुप हो जाएंगे। अगर आपको इनको वापस रीग्रुप करना है तो आप दोबारा से वापस वहीं जा सकते हैं इनको सेलेक्ट करके, और यहाँ पर ग्रुप में जाकर इनको रीग्रुप कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो हैं वापस ग्रुप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका जो मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिंग टैब के थ्रू बताया था ग्रुपिंग करने का, इसके अलावा और भी तरीके हैं, मैं उसको बता देता हूँ। इसके लिए मैं एक और प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से इंसर्ट में, और एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर, और देन यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स और इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाकर शेप्स में जाते हैं और शेप्स में यहाँ पर सपोज कीजिए आपको कुछ डिफरेंट टाइप की कुछ शेप बनानी है, लाइक मुझे ये चाहिए इस तरह का एक बैकग्राउंड चाहिए, और इसका कलर मुझे फॉर्मेट में जाकर चेंज कर देना है। मैं अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर लेता हूँ, आपको भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे भी आप चाहें वैसा कलर यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, जैसे ये वाला मुझे यहाँ पर लिखना है और इसके अंदर मुझे कुछ टाइप करना है, तो यहाँ पर टाइप करने के लिए मैं इंसर्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ मिल जाएगा ये, और इसमें आपको लिखना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से हम इसे साइज को इंक्रीज कर देते हैं, इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, और जो भी कलर आप इसमें चाहें वो कर सकते हैं, वो इसमें कोई इशू नहीं है। फॉर्मेट टैब पर जैसे जाकर भी कलर कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ कलर मिल जाएंगे, जैसा भी कलर आप चाहें वैसा आप यहाँ पर अपने हिसाब से ले लीजिएगा इस तरह से। और इसको भी हम देख लेते हैं कोई दूसरा डिफरेंट टाइप के यहाँ से कलर वगैरह यहाँ से कोई मिल जाए तो इसके लिए ये वाला ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इन दोनों को हमें एक साथ जोड़ना है क्योंकि अभी ये अलग अलग है, यहाँ पर देखिए ये अलग है और ये नीचे वाला जो बॉक्स है ये अलग है, इन सभी को हम एक साथ मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, कंट्रोल बटन कीजिए और यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह सिलेक्शन के अंदर ले लीजिए तब भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया है, और अब आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, और इस मेन्यू में आपको यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ग्रुप पर क्लिक करने के बाद देखिए वही सेम तीन कमांड मिलेंगी आपको, ग्रुप, रीग्रुप और अनग्रुप, इनका यूज़ कर सकते हैं आप ग्रुप के लिए। तो मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, अभी देखिए मेरा ग्रुप हो चुका है। अब मैं इसको अगर यहाँ से मूव करता हूँ तो ये एक साथ ही मूव होगा इस तरह से, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। आप चाहें तो जो ऑब्जेक्ट एक बार ग्रुप हो चुका है उसके साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट को भी ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, और इस शेप के आउटसाइड में भी एक और हम शेप बना देते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से,
ये ऊपर आ रहा है, इसको हम बैकग्राउंड भेज देते हैं फॉर्मेट टैब पर जाकर, और यहाँ से सेंड टू बैक कर देते हैं, और इसमें कलर कर देते हैं इस तरह से, जो भी कलर आप चाहें कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही कलर करने हैं आपको, फिल शेप में जाके कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप कलर मिल जाते हैं ग्रेडिएंट वगैरह, ऐसे कलर भी आप यूज कर सकते हैं शेप में, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कलर आप चाहें वो यहाँ से ले लीजिए। ये ले लेता हूँ मैं। अब इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, तीनों ग्रुप को और तीनों ऑब्जेक्ट्स को, तो ये हमारा ग्रुप वाला भी ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट हो गया, और जो ग्रुप नहीं है वो भी सेलेक्ट हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से ग्रुप कर देंगे, तो ये देखिए दोबारा से ग्रुप हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले ग्रुप हो चुके थे उन ऑब्जेक्ट के साथ में हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी ग्रुप कर दिया है। इस तरह से आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करना है तो यहीं से जाएंगे वापस ग्रुप वाले इसमें और अनग्रुप कर देंगे, तो अनग्रुप होने के बाद क्या होगा, ये आपका अनग्रुप हो जाएंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स। ये वाला अनग्रुप नहीं होगा क्योंकि ये वाला हमने जो ऑब्जेक्ट था ये अलग से ग्रुप किया था। अगर इसको भी अनग्रुप करना है तो राइट क्लिक करके इसको भी हम अनग्रुप कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से ये अलग ग्रुप अनग्रुप हो जाएगा, और फिर चाहें तो आप दोबारा से इनको रीग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में जाकर रीग्रुप कर देंगे तो ये दोबारा से ग्रुप हो जाएगा। इसके साथ भी रीग्रुप करना है तो इसको भी हम रीग्रुप कर लेंगे यहाँ से, सॉरी ये वाला सेट करना पड़ेगा हमें, और अभी हम इसको रीग्रुप ये नहीं होगा, इसको अनग्रुप कर सकते हैं, इसको ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप हो जाएगा ये इस तरह से आपका मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अनग्रुप कर देते हैं और इसको ठीक से अरेंज कर देते हैं, इसको भी अनग्रुप कर देते हैं, और इनको हम अपने हिसाब से जैसे भी आपको सेट करना है वैसे इसको सेट कर लीजिए इस तरह से जहाँ भी चाहें। इस तरह से आप कर लेंगे रेंज को, और यहाँ से इस तरह से इनको सेलेक्ट करके वापस ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के लिए फॉर्मेट टैब पर जाकर, सॉरी फॉर्मेट टैब में आपको जाना है ग्रुप में, और ग्रुप में यहाँ पे ग्रुप कर देना है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं और उसको अनग्रुप कर सकते हैं। इस क्लास में केवल इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम इस सेशन का नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन पुरानी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने स्टेप बाई स्टेप सारे सेशन को कम्प्लीट किया है। इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो भी फिलअप्स वगैरह हैं वो मैंने सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप उन सबको वहाँ से देख सकते हैं।